जल जीवन हरियाली के लिए तथा नशा मुक्ति दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन को लेकर निर्धारित प्रखंड स्तरीय संचालन समिति कोयल की बैठक भोजपुर उप समाहर्ता भू सुधार मुकेश कुमार की अध्यक्षता में मनरेगा भवन कोयलोर में की गई। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी कोयलोर वीर बहादुर पाठक, प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी, अंचल पदाधिकारी संजीव कुमार, प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विनीता कुमारी, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास पदाधिकारी प्रखंड समन्वय जीविका के साथ कई कार्य। इसके लिए क्या क्या तैयारी है सर? ये पूरे भोजपुर जिला का हर एक प्रखंड का अलग अलग मेन रूट और सब रूट निर्धारित किया गया है। तो हमारे कोयलवर में, कोयलवर प्रखंड में ये जो कोयलवर पुल है अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल, उसका बिल्कुल जो पूर्वी किनारा है वहाँ से लेकर रिलायंस पेट्रोल पंप तक मेन रूट है। उसके बाद कपिल देव चौक से राजापुर तक बड़हरा के बॉर्डर जहाँ भी शुरू होता है, फूहा उसका पंचायत है, उसकी सीमा लगती है, तो जहाँ तक कोयलवर का जाता है वो वहाँ तक हमारा सब रूट है। कोयलवर से कपिल देव चौक से लेके फूहा का जहाँ स्टार्ट हो रहा है। सर, स्कूली बच्चों को भी इस मानव श्रृंखला में लगाया जाना बिल्कुल है, बिल्कुल। स्कूल ठंड का मौसम है सर, उसके लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? इसमें स्कूल के बच्चे रहेंगे और 5 क्लास से ऊपर के, इसी कारण से 5 क्लास से ऊपर के बच्चे को भी इसमें शामिल होने का निर्देश है और वो लोग रहेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी के मौसम में भी ये काम नहीं किया जा सकता है। जो सरकार के द्वारा निर्धारित 19 जनवरी की तिथि है उसी दिन सभी को वहाँ पर रहना है। ये जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, उसी के समर्थन में ये सारे लोग उस दिन लाइन बना के खड़े रहेंगे और एक श्रृंखला, मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। सर, अपना परिचय बता दें।